पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है जोगिंदर सिंह और स्वागत है आपका इन पहाड़ों की खूबसूरत हसीन वादियों में। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और फाइनली जो है वो मैं जहाँ पे शादी का खाना वगैरह बन रहा है मैं वहाँ पे आया हूँ। दिखाऊंगा वहाँ पे आपको कैसे कैसे जो है वो खाना बन रहा है। उसके बाद बारात यहाँ पे चावल बना के रखे हैं इतने सारे, ये चावल इसमें दाल है, दाल का बर्तन है। यहाँ पे जो है वो हमारे अशोक भाई साहब जो है वो जी जो है वो कढ़ी बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। इन्होंने जो है ये तैयार किया हुआ है सारा सामान ऐसे जो है वो कढ़ी को बनाया जाता है अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स अगर आपका भी कढ़ी खाने का मन हुआ तो जरूर आइएगा हमारे यहाँ पे शादी में, हमारे यहाँ शादी में जरूर आना। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कढ़ी बनाने का, पूरा दिन भर इसको उबालते रहेंगे। बोलते हैं ना कढ़ी कड़ कड़ के कढ़ी बनेगी। टाटा बोलो टाटा। प्रस्थान कर चुकी है नीचे मैदान में, वहाँ पर मंदिर है, माता का मंदिर है वहाँ पे। मुंडा नहीं थे लाना तुझे तो फाइनली बारात जो है वो वापिस आ गई है। यहाँ से जो है उप के लिए प्रस्थान किया जाएगा।
हमारे यहाँ से जो है वो दुल्हन को इस तरह से जो है वो पालकी में बिठा के लिया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ पर ये प्रोसेस पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पे है, क्योंकि गाँव का है जहाँ पे रोड नहीं जाता है वहाँ पे पालकी में उठा के दुल्हन को लिया जाएगा। रिश्वत लेने के चांस है। कुछ मिल गया? तो जो दुल्हन ने घर का ताला खोल दिया है, ये गृह प्रवेश की तैयारी, ये गृह प्रवेश हो रहा है। देखना कैसे आरती उतारी जाती है यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो आरती उतारी जा रही है, दोनों लोगों की, दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारी जा रही है माँ के द्वारा। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये जो है वो अहम रस्म है हिमाचल में दुल्हन के घर आने पर जो है वो आरती उतारी जाती है।